किन्नौर के मीरू गांव से संबंध रखती हूँ। कल शाम को हम यहाँ से अपना सामान लेके आ रहे थे तो तीन लड़के आगे से आए, उन्होंने बहुत शराबी रखी थी तो हम अपना रास्ते चले गए। ऑब्वियस बात है, तो शराबी को देख के हमसे बात तो नहीं करेंगे, तो वो खुद आया, उसने मुझे धक्का दिया और मुझे खींचते हुए आगे तक ले गया। खींचते हुए? हाँ जी। तो मैंने उसको बोला कि दूर होके चलो, देख के चल सकते हो, तो उसने उतने में ही आके मेरे कॉलर पकड़ लिया और मुझे इतने नाखूनों के निशान लगा दिए और एक थप्पड़ से मारा, तो उसको मैंने छुड़ाने के धक्का दिया। तो उसके बाद उसके और दो दोस्त आए, उन तीनों ने बहुत जबरदस्ती के मारा, धक्का धक्का मुक्की, हाथ पैर सब चलाए। अगर हम रात को ही यहाँ से 8 बजे ही नहीं चलेंगे तो हम कब चल पाएंगे, ये आप लोग भी सोचो। इतनी रात को ऐसा कर रहे हैं तो, और एक इंसान भी हमारे हेल्प के लिए नहीं आया, सिर्फ एक बच्चा आया, उसने आके हमारी हेल्प की और बाद में दी दिया। नाम उर्मिला है, मैं भी जिला किन्नौर से संबंध रखती हूँ। कल शाम को हम दोनों एक्चुअली दाल लेने के लिए इधर आए थे और एकदम हम उसको जानते भी नहीं थे लड़के, वो तीन लड़के शराब पी के थे, हम उनको देखा तो हम एकदम साइड हो गए। तो एक एक लड़का पीछे जबरदस्त इसको धक्का मारते वहां तक धक्का मारते हुए ले गया और इसने एकदम पीछे मुड़के बोला कि भैया आपको दिख नहीं रहा है, और ऐसा बोलते ही उसने एकदम कॉलर पकड़ा और मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। वो यहाँ से मारते हुए हमारे को वहां तक ले गया वो। मारते मारते। हाँ जी, उसने हाथों से भी पैरों से भी दोनों जगह से मारा। इवन यहाँ पर पूरी दुकान खुली थी, पूरे मंदिर पे यहाँ पर पूरे लोग खड़े थे, यहाँ पर सारे लोग खड़े थे, कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया कि जिसने चलो बचाए नहीं एटलीस्ट अलग तो कर देते। तो हम दो लड़कियां थे और तीन लड़के थे, एक लड़का मारा था और दो लड़के धमकी दे रहे थे कि भाई तुम्हें तो हम यही मार के यही गाड़ देंगे, ये हमारा जगह है, तुम्हारा इलाका नहीं है। तो इस ऐसे जगह पर हम कैसे सेफ हैं? तो आप ये देख सकते हैं मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है और मुझे यहाँ बाजू पर लगी है, अंदरूनी चोट भी बहुत सारी लगी है, इवन यहाँ भी इसने मारा है, और मतलब बॉडी पेन तो वैसे ही हो ही रही है, दर्द तो अब क्या ही बोले। लात से किसको मारा था? लात से इसने हम दोनों को ही मारा। दोनों को हाँ मारा जी, उसने लात से एक बार मतलब मुझे पहले इसको मारा, उसके बाद उसने मुझे मारा, और उसके बाद उसने लात से जब मारा था तो मेरा हाथ था और उसने तो तब मेरा हाथ बचाया, उसने मुझे लात से हाथ भी मारी है। हम उनको जानते भी नहीं, उसकी मंशा हमको समझ भी नहीं आई, वो तो बाद में जब हमें खींचती ले गया, वो हमारे साथ गलत ही करना चाह रहा होगा तभी हमें ऐसे खींचती जा रहा है, वरना तो कौन ही ऐसे करेगा। ऊपर से उसने इतनी शराब पी रखी थी कि हमको उसकी हालत नहीं थी कि वो चल सके, और दोनों उसके जो फ्रेंड्स थे वो ऐसा नहीं कि वो उसको रोके, इवन वो उसको मतलब इनकरेज कर रहे थे कि तू कर, अगर जब मैं उसको पकड़ रही थी मैं बोलती तू मार क्यों रहा है, तो मुझे ऐसा बोलता कि तू उसको ऐसा ऐसा कैसे बोल सकती, तुझे मैं यही काट दूंगा, तुझे मैं यही मार दूंगा, ऐसा बिल्कुल मुझे ऐसा थ्रेट कर रहा था। उसके साथ वाले दो दोस्त थे उसके, जब साथ वाले जो अगर वो मतलब अगर उसको हम पकड़ रहे मार रहे तू मार क्यों रहा है बोलते, वो इतनी गंदी गंदी गालियां मारा था, क्या बताए, माँ बहन की मतलब अश्लील गालियां मारा था, हम उसको जानते तक नहीं है, और वो हमें माँ बाप की भाई बहन की पत्नी कैसी कैसी गालियां मार रहा है, मारने के साथ साथ हमें पीट भी रहा था। हम दो ही थे और ये लड़का था, इसने यहाँ पर खड़ा था, एट द एंड यही लड़का आया और इसी ने मतलब बोला कि भाई लड़कियों को मत मारो, आपको दिखाई नहीं लड़कियां मार रहे, और इसने ही पकड़ा, अदरवाइज पता नहीं कितना मारना था हमें। मैं रुक जा तू, मैं जो करूंगी तुझे बताती हूँ। तो हमने पुलिस स्टेशन कॉल किया और बोला कि ठीक है हम आते हैं, जितने टाइम पे पुलिस वाले पहुंचते उतने तक वो तीनों लड़के ऐसे घूमो। लगभग कितने बजे पुलिस पहुंची थी? मतलब 9 बजे के बाद। हाँ जी, ऐसे पहुंच गई होनी पुलिस, और आधा घंटा हमें स्ट्रगल ही किया उनके साथ, जब उनके साथ अपने आप को बचाते रहे। हाँ जी, बचाते रहे। मैं यहाँ पे बैठा था, ये सिस्टर लोग आ रहे से आए पर ऐसे क्यों यहाँ पर गए, वहाँ से तीन लोग आए, उसके बाद उनने टक्कर मारा, तब यहाँ मारने लगे, उसके बाद इनने बोला क्यों मार रहे धक्का वाली बात, तब उनके बाद वो भैया गए परे को फिर मारने लगे, फिर कोई नहीं आया सर, बाकी सब देख रहे थे। शर्म जैसी, इतने छोटे होके मैंने गया अकेला, मतलब आपने बचाया? यस सर। कितने उम्र है आपकी? सर 16 16 साल के लिए। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।